गुड मॉर्निंग बेटा। कल का मतलब सैटरडे तक की क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पढ़ाए थे। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, ये निकला था रिलेशन आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यही निकला था। आज हम लोग करने जा रहे, सामने लिखा हुआ है आपके ओम्स लॉ, बहुत पॉपुलर है, आप सबने 10th क्लास में इसको खूब अच्छे से पढ़ा है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, तो बहुत ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ क्या कहता है, एक पहले बता दूं आपको, ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक लॉ बनाया गया। अगर मैं आपको अब तक की कहानी बताऊं तो हमने अब तक ये सीखा है कि किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल लगाते हैं तो उसमें करंट आती है, यही बात सीखी थी हमने। तो हमें करंट पता है कब आती है, तो यही ओम्स ने या ओम्स लॉ में क्या कहा गया कि अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो, बहुत बड़ी बात बोल दी है ओम्स ने, मतलब लॉ देने से पहले ही कंडीशन लगा दी है कि अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो तो जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसी के साथ साथ या उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का चेंज होता है। अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ जाती है, यानी कि अगर उनका कहना यह है कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू को 2 टाइम्स कर दूं तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉ है, लेकिन क्या कंडीशन है अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशंस का मतलब है कि टेम्परेचर ना चेंज हो उस वायर पर या जिस कंडक्टर पे हम चेक कर रहे हैं करंट के बारे में, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए, कोई बेंडिंग कोई भी चेंज ना करें हम उसकी कंडीशंस में, चाहे ना तो प्रेशर चेंज करें ना उस पर स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह कुछ आए, तो ये सब चीज़ें अगर इग्नोर कर दें, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर, कि अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो पोटेंशियल करंट के प्रपोर्शनल रहता है। तो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, एट कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या है, फिजिकल कंडीशंस। तो अब फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये सभी कुछ है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चेंज होने से सब कुछ बदल जाता है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल अक्रॉस the ends of a conductor is directly proportional to the current। पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, इसके एंड्स के अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल लगाया वी, आप डेल्टा वी भी बोल सकते हैं, आपने एक पोटेंशियल लगाया डेल्टा वी। अच्छा एक बात बता दूं, आपने अब तक सीख लिया होगा, वैसे मैं फिर भी पूछ रहा हूं कि मैंने इसमें पोटेंशियल लगाया है वी, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सिखा चुका था मैं आपको, करंट की डायरेक्शन होती है हाई से लो की तरफ, जो हमारी कन्वेंशनल करंट थी, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो थी वो लो से हाई चल रही थी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है इसमें, हाई से लो की तरफ, हमेशा याद रखना, बहुत काम आती, छोटी सी बात है, पॉजिटिव से करंट निकलती है, नेगेटिव पे एंटर करती है। चलिए ये बात भी हमने कर ली है, तो क्या हुआ, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो उन्होंने बोला कि करंट की जो वैल्यू है, ये बोला कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका था कि किसी वायर में, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों आती है, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। पहले तो इतना स्टेटमेंट एक नोट करिए, वी इक्वल्स टू आई एल, बहुत पॉपुलर है,
वी इक्वल्स टू आर आई बोलते हैं, आई आर बोलते हैं, एक ही बात है, आर कॉन्स्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहां से एक बात निकल कर आती है कि वी अपॉन आई जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और आर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। आर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। बात ध्यान रखना, ये कॉन्स्टेंट कब है, जब क्या है टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो आर कॉन्स्टेंट नहीं है भैया, बात समझ लेना। V upon I equals to R, यानी R constant कब है, जब temperature constant है, temperature नहीं बदल रहा, physical conditions नहीं बदल रही हैं। तो ये अपने पास सिंपल सा ओम्स लॉ है, एक बार इतना नोट करिए, फिर हम आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दें, हटा दें। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताने से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में। देखना, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, मैं कई बार सिखा चुका हूं आपको, बार बार सीखिएगा कि V और I के बीच में ग्राफ बनाना है। तो एक एक्सिस पर V ले लेंगे, एक एक्सिस पर X यानी कि I ले लेंगे। तो हमने क्या किया, किसी पर भी कोई से भी ले सकते हैं, जनरल इक्वेशन ये दिख रही होगी, y इक्वल टू एम एक्स से रिलेट कर रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टेंथ में पड़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स से रिलेट कर रही है, ये बेसिक इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, c वहां पर क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था। तो y इक्वल टू एम एक्स में y कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, v, ये रहा v, ये रहा i, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें c नहीं है, c की वैल्यू जीरो है, c की वैल्यू जीरो यानी कि कहां से पास होगी, ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी और एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक लीनियर ग्राफ बनता है, ये एक लीनियर ग्राफ बन गया। v और i का ग्राफ कैसा होता है, आपका आंसर होगा लीनियर, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, कंफर्म बात है, ग्राफ बन गया है। अब ग्राफ बन गया है, जरा एक बात मैं फिर बता दूं, यहां पर m क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपेयर करिएगा दोनों इक्वेशंस को, तो m किसको इंडिकेट कर रहा है, रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और m इस इक्वेशन में होता क्या है, स्लोप हुआ करता है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है रेजिस्टेंस। ये बहुत कॉमन है, हमने क्यू वी वाले ग्राफ में भी किया था, क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस। स्लोप कहां से है, एक्स एक्सिस से, तो यहां पर कहां से देखा जाएगा, आई एक्सिस से, बहुत ध्यान से आई एक्सिस से देखेंगे, तो आई एक्सिस से जो स्लोप है, स्लोप हमेशा ये वाला, आई एक्सिस से जो स्लोप है वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा स्लोप का एंगल होगा, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा है, तो स्लोप क्या हो गया, डिनोट करते हैं एम से, क्या होता है स्लोप, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या बताता है, ये हमें रेजिस्टेंस बताता है, कंफर्म बात है इतनी। और स्लोप आपको दिख रहा होगा कैसे, स्लोप मतलब ढलान कैसा है, कांस्टेंट है स्लोप इसका, रेजिस्टेंस बताता है, ज्यादा स्लोप, पंचलाइन क्या बनेगी, मोर स्लोप, मोर विल बी द रेजिस्टेंस, एंड स्लोप इज कंसिडर्ड फ्रॉम द आई एक्सिस, slope is considered from the i-axis। चलिए हटा रहा हूं इसको, जरा बताइएगा होमवर्क का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है होमवर्क में, r1, r2, i, v, आपको बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, r1 की या r2 की। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में ही ये बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, कंफर्म बात है। आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन हो गया, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है दोनों ही केसेस में, पहले में और दूसरे में बताएंगे आप। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस होती क्या है, आप में से सभी लोगों को याद होगा जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं उस लेक्चर में, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कुछ नहीं, आप उस चीज को पहली बार सुने इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं, डरना नहीं है, बड़ा आसान सी चीज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी,
सारी बातें एक लाइन में खत्म करूंगा, एक लाइन का मतलब एक दो लाइन में खत्म करूंगा जल्दी से। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हीट की वजह से थर्मल टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी की वजह से जो रूम टेम्परेचर पर उनके पास थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं। वो एनर्जी गेन कर लेते हैं तो भागते हैं। उस भागने के दौरान वो क्या करते हैं, उन आयंस से जो जहां से वो निकले थे वो आयंस बचे थे उन आयंस से टकराते हैं वर्चुअली, और उस कोलिजन की वजह से उनकी डायरेक्शन बदल जाती है और उनकी इधर उधर घूमने लगते हैं रैंडमली। अब वो रैंडमली घूमते हैं तो क्या बताया था हमने, उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, इतनी बात सुन ली, और नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज जीरो होता है। जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो एक फील्ड क्रिएट होता है। वो फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है। वो पहले से भाग रहे थे, रैंडमली भाग रहे थे, अब वो रैंडमली बहुत तेज भाग रहे थे और उस भागते हुए में ही फील्ड उनको अपने अपोजिट खींचने की कोशिश करता है, और वो खींचने की कोशिश में वो कोलिजन तो अभी भी हो रहे हैं, और वो कोलिजन अगर अभी भी हो रहे हैं तो उस कोलिजन से बचते या लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते, है ना, यही तो हो रहा था, गिरते पड़ते वो थोड़ा सा खींचे चले जा रहा था फील्ड के अपोजिट। और जो वो थोड़ा सा खींच रहा था ना और उसकी बहुत छोटी सी स्पीड थी, वही क्या थी हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कहां से आई पता नहीं, हाँ तुम्हें इसलिए आई थी बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कि मैं आपको बताने जा रहा था रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन भागते भागते टकरा रहा था उस कोलिजन की वजह से उसके मोशन का कुछ अपोज हो रहा था, और वही अपोजिशन क्या है, क्या है, रेजिस्टेंस है। वही अपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ चार्ज, द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ चार्ज बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सुन पाए हैं, the opposition offered to the flow of electrons by the conductor is called resistance, denoted by R, आपने लिख ली होगी, I think मैंने ये कहा होगा, denoted by R and its unit is, सबको पता है इन्हीं के नाम पर रखी गई है, कहां गई है, ये है unit is ohm, symbol is ohm, ये सिंबल है, कैप रहती है, ये म्यूजिशियन की डायरेक्टर वाली कैप है, ये रहा इसका सिंबल और कहानी पूरी। ये यूनिट है, और सिंबल कैसा रहता है, किसी रजिस्टर का सिंबल बड़ा अच्छा रहता है, ये अपोजिशन है, अपोजिशन है तो उबड़ खाबड़ सा एक रास्ता दिखा दिया, खुरखुरी सड़क दिखा दी है, और ये कंडक्ट एक रेजिस्टेंस हो गई है, और इसके ऊपर लिख दिया जाता है आर। ये तो सब कहानी हो गई रेजिस्टेंस की, आई थिंक आपने इतनी बात समझ ली है, हटा रहा हूं सब। क्या लिखा है, अगली हेडिंग है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिडक्शन, ओम्स लॉ को ड्राइव करना है हमें, बहुत बार पेपर में आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है समझ गए मेरी बात इतनी। तो चलिए, ओम्स लॉ का डिडक्शन करना है यानी कि V इक्वल्स टू आई आर हमें प्रूफ करना है, ये वाली कहानी प्रूफ करनी है, आपको पता ही है ओम्स लॉ। तो हमें आई का टर्म चाहिए, पोटेंशियल का टर्म चाहिए, शुरुआत कर रहे हैं। We know that, ये तो मैं हटाई दे रहा हूँ, तो हमें चाहिए है ना, आपको पता ही चल गया है, अभी लिखा रहेगा तो आप भी यहीं से लिख लेंगे। तो we know that करेंट का एक रिलेशन पता है मुझे, I equals to N E A V D। अभी बताया था करेंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन, यहां पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका भी एक रिलेशन पढ़ा है हमने, I equals to N E A। आप लोग बोलेगा VD का रिलेशन, VD का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, E E tau upon N। बहुत बड़ा नहीं है, चीजें याद रहती हैं बच्चों को, बता दें आपको और याद करनी पड़ेगी, पेपर में आता है, और जब सिलेबस कट हुआ है तो बचे ही ऑप्शन कम है,
सीरीज पैरेलल खत्म हो गया, इसमें से सीरीज पैरेलल खत्म हो गया तो बची चीजें बहुत कम है, ये डेरिवेशन जरूर आने हैं। हाँ, टाउ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड फील्ड, जो किसकी वजह से आया था? बैटरी की वजह से आया था। ये मानिए ऐसी कहानी है, बहुत देर हो गई आपको। ये एक कंडक्टर है, यहां पर एक बैटरी लगी है, पोटेंशियल कितना है? V है। इसकी लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। करंट कितनी आ रही है इसमें? I करंट चल रही है मान लिया। फील्ड कितना क्रिएट हुआ है? E क्रिएट हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी है? Vd है। यही कहानी थी ना अपने पास, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया तब यही कहानी तो पड़ी थी। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इक्वल टू क्या? E का E से मल्टीप्लाई तो एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एन। आपको याद होगा हमें V इक्वल टू आई आर के टर्म्स में जाना था। करंट हमें दिख रही है, पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। पोटेंशियल इस पूरे टर्म में नहीं दिख रहा है, तो पोटेंशियल को ढूंढिए। पोटेंशियल कहां से दिख सकता है मुझे? इस E से पोटेंशियल मिल सकता है। देखिए ना, पोटेंशियल लगा था तभी तो फील्ड आया था। अब मैं बता दूं इन दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? वी पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है, फील्ड ई है। आपको एक बात बता होगी, हमने सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था? फील्ड इनटू सेपरेशन, शायद याद है, फील्ड इनटू सेपरेशन पढ़ा है हम लोगों ने। किन्हीं दो एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल वी है तो फील्ड अगर ई है तो पोटेंशियल कितना था? फील्ड इनटू सेपरेशन, तो V equals to E और सेपरेशन कितना है? एंड्स के बीच में L है। ये कहां से आया? dV equals to minus E dot dr से आया। तो E की वैल्यू कितनी हो गई है? V upon L, उठाकर यहां रख देंगे तो V का टर्म भी आ गया I equals to N E square A tau upon M into E की जगह V upon L, V upon L। दिख गया है आपको इतना? हमें प्रूफ करना था V इक्वल टू आई आर, यानी कि V को एक तरफ रखिए और बाकी सारे टर्म I के साथ ले जाइए। तो V को एक तरफ रख लेते हैं, हमने V को एक तरफ रख लिया, आपको दिख रहा होगा, और बाकी सारे टर्म उधर भेज दिए। तो क्या क्या उधर चला गया? I तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले सारे टर्म ऊपर आ गए तो क्या हो गया? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इस पूरे टर्म को बहुत ध्यान से देखना, लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पोटेंशियल आ गया, करंट आ गई, एक बहुत बुरा सा टर्म आया है, और ये बहुत बुरा सा टर्म देखना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें एक्सपेंशन हो सकता है, तो ये बड़ी हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। तो L भी कैसा है? कांस्टेंट है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर के साथ कॉन्स्टेंट रहती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज हो जाएगी। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, विच इज यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट, आप सब जानते हैं। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज दी रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, वो एवरेज कोलिजन टाइम है। और ये भी मैंने आपको बताया होगा और निश्चित बताया है कि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट होता है। तो सब कुछ कॉन्स्टेंट है इसमें, सब कुछ कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कॉन्स्टेंट हो गया। और इस पूरे के पूरे कॉन्स्टेंट टर्म को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस पूरे के पूरे कॉन्स्टेंट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो मैं इस टर्म को लिख देता हूं Here, R, पहले तो इसी को लिख लेते हैं, V equals to I into R, ये जो इक्वेशन बन गई है, V equals to I into R, यहां पर R कितना है? M L upon N E square tau into A। और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने याद रखना है। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा है, बड़ा है चाहे नहीं है, आपको याद रखना है, जरूरी है।
बात समझ गई, ये हो गया छोटा सा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आपने क्या किया, करंट से शुरुआत की, एनईएवीडी कहां गया, वीडी की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, फील्ड को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया। जो टर्म बच गया वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, बिकॉज वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा था और ये आपने वैल्यू दिमाग में बसा ली। क्लियर है इतनी बात? लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। एक गोल्डन फॉर्मूला मिलने वाला है मैं भी। और एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा मैं आपको, एक टर्म पढ़िए, नया टर्म, रेजिस्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करते हैं? रो से। जैसा हमें वाइब्स आ रही हैं, कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं है चैप्टर टफ लग रहा है, बहुत इजी है इसमें, बस जितना भी झोल है ना वो बस पहले ही पोर्शन में है, वो नया लगता है हम लोगों को, लेकिन आप उसी चीज को अगर दो बार पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है। चलिए, मैंने क्या बोला, एक नया टर्म पढ़ने जा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी। बताने से पहले रेजिस्टेंस के बारे में खास बात बता दूं, डेफिनेशन तो याद है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या था, अब देखना ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फॉर्मूला चिल्ला रहा है ये लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे पास एक ये कॉपर का वायर है, मान लिए एक कंडक्टर है कॉपर का, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इसकी लेंथ पर भी डिपेंड, और फैक्टर्स तो है ही, साथ में किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं एक बड़ी लेंथ का कंडक्टर ले लूं तो इसकी क्या नाम है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसकी, कॉपर की प्रॉपर्टी है क्या, ये कॉपर की नहीं हुई प्रॉपर्टी है, ये कॉपर के कंडक्टर की प्रॉपर्टी हुई, या मैं बोल सकता हूं कॉपर के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हुई। अगर मैं इसको इस शेप से बदलकर किसी और शेप में चेंज कर दूं तो ये फिजिकल पैरामीटर्स हो गए ना, लेंथ और एरिया कैसे पैरामीटर्स हो गए, इसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हो गए। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, बहुत ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि लेंथ एरिया वगैरह पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूं कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब, मैंने कॉपर वायर, कॉपर के एक मटेरियल से मैंने वायर बनाया या मैंने शीट बनाई, रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। सुन लिया? अब नया टर्म मैंने क्या लेकर आया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी लगभग यही है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रेजिस्टिविटी का भी मतलब क्या है, या अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सिंपल, सेम डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द कंडक्टर। बट चेंज है, क्या चेंज है, कि अगर उस कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज मेड यूनिकली फॉर द मटीरियल, नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टी मटीरियल की है। मैं कॉपर की बात करूंगा, मैं जब भी बोलूंगा कि रेजिस्टिविटी तो मैं बोलूंगा कॉपर की रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी, और जब मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा तो बोलूंगा वायर की रेजिस्टेंस। डिफरेंस समझ रहे हैं? रेजिस्टिविटी किसके लिए डिफाइन की गई है, वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स से इंडिपेंडेंट बना दी गई है। और इंडिपेंडेंट कैसे बनेगी, जब मैं लेंथ और एरिया को कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो रेजिस्टिविटी क्या बन गई है, डिनोट किससे करते हैं, रो से, और है तो रेजिस्टेंस ही। अगर मैं लेंथ को और एरिया को 1 कर दूंगा, इफ एल इज 1 यूनिट यानी मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट यूनिट हो गए, देन रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, अगर L और A बंद कर देंगे तो क्या बचा, M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ।
एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. हेंस रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. डेफिनेशन लिखेंगे सेम. क्या फर्क है सिर्फ? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल. बहुत हो गया. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट. इतनी बातें नोट कर ली हैं, हटा रहा हूं इतना यहां से. अब बात कर लेते हैं इसी इक्वेशन से. गोल्डन फॉर्मूला बन रहा है. डेफिनेशन क्या बन जाएगी? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. छोटी सा हेडिंग बना लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. क्या रिलेशन है इनके बीच में? माँ बेटे की तरह है. ये मटेरियल की है और ये उससे बने ऑब्जेक्ट की है. माँ है बेटा है, ऐसा नहीं है. देख लीजिएगा रिलेशन एक बार. हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. क्या पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए. यही पता है. अब आप कहेंगे सर आपको तो ये देख के लिख लिया, हम कहां से लिखेंगे? आप भी दो बार देख के लिखिए, तीसरी बार याद हो जाएगा. नहीं याद हुआ? देखो आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए. याद हो गया? अब इसमें देखना एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या है? रेजिस्टिविटी है. तो रख देंगे आर इज इक्वल टू दिस टर्म इज रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया एंड दिस इज योर गोल्डन फॉर्मूला. बहुत काम का है, आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ रखा है. आर इक्वल टू रोयल अपॉन ए. बॉक्स में बंद कर लेना बहुत बढ़िया से. आई थिंक कर चुके होंगे इतना काम आप अब तक. अब यूनिट निकाल लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. बहुत सारा वर्क हो गया आज और ये सारा वर्क आपको करना है. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है. देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है. मैंने आपको सिखाया था कि जिसकी निकालनी है उसको वही रखो, बाकी उधर पहुंचा दो. तो मैं निकाल लेता हूं रो इज इक्वल टू क्या बनेगा? आर ए अपॉन एल. क्लियर है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर. मीटर से मीटर नमस्ते हो गया तो ये बन गया ओम मीटर. क्या बन गया है? ओम मीटर. सुन लीजिएगा. अरे इसको फुल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओम मीटर. क्लियर? ये बन गई है आपके पास यूनिट. बहुत अरे पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन सीधा आता है, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट डेढ़ नंबर में. अरे काम के होते हैं डेढ़ नंबर, बहुत होते हैं. डेढ़ डेढ़ फुटकर में जोड़ोगे ना तब जाके 23 पे पहुंचते हैं. ऐसे मत सोच लेना डेढ़ नंबर की बात बता रहे हो सर. 23 नंबर बहुत हो जाते हैं लाने के लिए. उनसे पूछो जो अब क्या बताएं. अरे आप में से बधेरे ऐसे होंगे जो 11th में 23 भी नहीं ला पाए होंगे असलियत में, लेकिन इस बार कोरोना ने सबको पास कर दिया है, सब प्रमोट हो गए हैं. लेकिन याद करो वो दिन. काफी अर्ली में तो पता होगा अपना अपना रिजल्ट सबको. चलिए बहुत देर हो गई, एक और टर्म डिफाइन करने के लिए बचा है, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. बहुत बड़ा लेक्चर होते जा रहा है हम लोगों के पास बहुत बार. एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं छोटा सा, कंडक्टिविटी. बहुत ही छोटा टर्म है, नाम से पता चल रहा है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी तो क्या डेफिनेशन बन गई? इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से. फिर कंजूसी कर ली फिजिक्स वालों ने, लेटर बहुत कम है इनको. ये क्या था बताइएगा, इसको और क्या बोलते थे, हमने इसका कहां यूज किया था. चलिए कंडक्टिविटी की बात कर ले तो क्या बनी है कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. अरे रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो? अपोजिट. रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, यानी कि सिग्मा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टिविटी कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी यूनिट बोल दीजिएगा इसकी। अब वन की यूनिट होती नहीं, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताई थी अभी, ओम मीटर होती है, तो क्या बन गई? वन अपॉन ओम मीटर। अरे ओम मीटर ऊपर पहुंचा तो पावर माइनस वन हो गई, क्या बन गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इनवर्स मतलब पावर माइनस वन। एक गंदा सा नाम बता दें, ओम इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं, मोहो। अरे ओ एच एम उल्टा करके लिख दो, क्या बन गया? मोहो। तो इसको और क्या बोलते हैं? मोहो मीटर इनवर्स। याद बच्चों को आराम से हो जाता है, ओम इनवर्स का अपोजिट ओम उल्टा लिख दो एम एच ओ, मोहो मीटर इनवर्स। सारी बातें खत्म, क्वेश्चंस पे आते हैं। एक और बात बता दें, इस लेक्चर में बहुत कुछ बता गए हैं आपको, बहुत कुछ, और बहुत कुछ में से पेपर में आपको दो से तीन नंबर का फंस जाता है, इतने में से तीन नंबर का क्वेश्चन सीधा आ जाता है, डिड्यूस ओम्स लॉ एंड डिफाइन रेजिस्टिविटी राइट इट्स यूनिट, पूरा पूरा आ गया, या फिर डिफाइन कंडक्टिविटी राइट इट्स यूनिट, आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन? एक कॉपर वायर ऑफ 20 ohm, find the resistance of a piece of copper wire which is double in length and area, which is double in length and area। कुछ समझे एक बात क्या है? कह रहे हैं कि एक वायर है कॉपर का जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, और रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम है। और रेजिस्टेंस पूछी गई है कॉपर वायर की जिसकी लेंथ और एरिया दोनों डबल हैं। ऑब्वियस सी बात है, किससे डबल है? पिछले। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा एक मेथड है, और मेथड नहीं है, दूर से दिख जाता है, डाटा पहले मेंशन करिए क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है क्या? गिवन है रेजिस्टेंस, पहले दो, अच्छा आपको दो सिचुएशन नजर आ रही है कि एक पहले वायर था, एक वायर अब है, दो सिचुएशन हो गई, तो दो रेजिस्टेंस, दो लेंथ, दो एरिया, तो R1 R2 लगाना वाजिब है। तो मैंने बोला R1 कितना है? 20 ओम है। लेंथ कितनी है पहले? L है। एरिया कितना है? A है। बाद में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस बता दो, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेंथ की बात उन्होंने करी, कितनी हो गई है? डबल हो गई है, तो 2L। एरिया कितना हो गया है? 2A, दोनों डबल कर दिए है। बोला है रेजिस्टेंस बता दो, तो रेजिस्टेंस के बारे में जैसे हमने पूछा है, तो हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यही होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, अभी सीखा था। तो फर्स्ट केस की बात करेंगे तो R1, L1, A1 और रो 1, क्या रो 1 होगा? नहीं होगा। आप ही लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बात ध्यान से सुनना, पहले वाला वायर भी कॉपर का, बाद वाला वायर भी किसका? कॉपर का।
अगर दोनों कॉपर के वायर है तो दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। कॉपर नाम जहां जहां दिखेगा रेजिस्टिविटी सेम, अगर एक एल्यूमिनियम का होता तो रेजिस्टिविटी बदल गई होती। ध्यान रखें ये बात, लेंथ और एरिया के साथ सिर्फ कौन बदलता है, रेजिस्टेंस बदलती है। तो सिमिलरली फॉर सेकेंड वायर के लिए आर टू कितनी हो जाएगी, रो एल टू अपॉन ए टू। अब आपको क्या चाहिए था, आर टू की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब चीजें लगभग पता है, केवल रेजिस्टिविटी को छोड़ के। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, हमें आपको क्या बताते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप अगली लाइन में लिखेंगे डिवाइडिंग वन एंड टू। जैसे डिवाइड करते हैं तो रो से रो खत्म हो जाता है और क्या बच के आता है, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्या बचेगा, एल वन अपॉन एल टू इंटू ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन। इसको अपने पास बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्यों, बिकॉज हम लोग जल्दी से यहीं से उठा सकते हैं बाद में, एल वन अपॉन एल टू इंटू ए टू अपॉन ए वन। चलिए आपको सारी वैल्यूज पता है, एल वन एल टू ए टू ए वन सब पता है, आर वन भी पता है, तो आर टू की वैल्यू निकाल के कमेंट करिएगा, आपका दूसरा होमवर्क का काम। जल्दी से, तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके बाद जल्दी से आपने नोट कर लिया है, अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेशियो रेजिस्टेंसेस ऑफ टू कॉपर वायर्स के रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताना है, इफ रेशियो ऑफ देयर लेंथ एंड एरिया इज, पहले लेंथ का लिख देते हैं, लेंथ इज 2:1 and that of area is 1:4। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्या करना है, दो वायर्स की, कॉपर वायर्स की रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताना है, अगर उनकी लेंथ का रेशियो ये है, कहां है ये है, और एरिया का रेशियो कितना है, 1:4 है। हटा दें, एक क्वेश्चन और मैं सिखाऊंगा, ये टॉपिक खत्म करूंगा, ये सब आपने नोट कर लिया है। एक और लेक्चर बनाएंगे, एक और लेक्चर कह रहा हूं, एक और क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, एक कॉपर वायर, अरे कॉपर वायर नहीं, एल्यूमिनियम वायर भी आ सकता है पेपर में, लेकिन आपने कभी सुना है एल्यूमिनियम वायर ज्यादा यूज होता है, कॉपर का यूज होता है ना, इसलिए हमारे दिमाग में कॉपर वायर ही चल रहा है बल्ब वाला। एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 20%, इज स्ट्रेच्ड बाय 20%, फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन इट्स लेंथ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई एक बेसिक डिफरेंस नजर आया? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था
कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ एल है और एक दूसरा कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 2L है। कितने वायर थे? दो वायर थे, एक ये रहा एक ये रहा, यही था एग्जैक्टली। इस बार सीन क्या है, इस बार बोला कि एक ये वायर है और इसको खींच दिया गया। कितना खींच दिया गया है? 20% खींच दिया गया है। इसको 20% खींच दें तो इसकी रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, वो भी परसेंटेज में बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ गए हम, तो डिफरेंस क्या है? इस बार एक ही वायर को खींच दिया गया है, और खींच दिया गया है तो मेरी बात समझना, इसको मैं खींच दूं, खींच दिया मैंने, तो आप देखेंगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका एरिया जो है वो घट जाएगा। ऐसा ही होता है ना, अगर इसका एरिया घट जाएगा तो लेंथ का चेंज तो दिया है, एरिया का पता ही नहीं हमें, वो सब हमें करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। चलिए, तो एक बात मैं आपको बहुत हमेशा सिखाते आया हूं, जब परसेंटेज में डीलिंग कर रहे हो आप, तो इनिशियल या कोई भी वैल्यू होती है उसको कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये, तो हम बोल रहे हैं लेग लेंथ, सॉरी रेजिस्टेंस इनिशियल मान ली कितनी है? आर है। लेंथ मान ली है हमने कितनी है? 100 है, ठीक है। और एरिया मान लिया है ए है। क्लियर है इतनी बात? अब बात कर रहे हैं नए केस में, मान लिया रेजिस्टेंस आर टू हमें पता करनी है कितनी हो गई है, ये पता करनी यानी क्वेश्चन मार्क है। लेंथ के बारे में बात करेंगे, कितने परसेंट खींच दी है? 20%, 100 थी, 20% बढ़ा दी, तो क्या 120 हो गई लेंथ? कितनी हो गई है? 120। एरिया मान लिया अब हमने कितना है? ए टू है, हमें पता नहीं कितना है ए टू, तो पहले मान लिया था एरिया ए वन है, अब मान लिया एरिया ए टू है। क्लियर है? एक बात मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने बोला कि इस वायर को खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी और एरिया कम हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा क्या इसमें? कुछ ऐसी चीज है जो चेंज ना हुई? ये पूरा मैंने मान लिया कॉपर का है, इसमें कुछ कॉपर यूज हुई है, कुछ कॉपर होगी इसके अंदर, इसको मैं खींचूंगा तो क्या मैंने कॉपर कहीं और से ले आया? मैं कॉपर कहीं से नहीं लाया, कॉपर इसमें जितनी थी उतनी तो ये है, इसका मतलब कॉपर कॉन्स्टेंट रही है, कॉपर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई है, एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कैसा रहा है? कॉन्स्टेंट रहा है। तो मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स, बस यही पंचलाइन है यहां पर, इस पूरे क्वेश्चन में यही पंचलाइन है, बाकी सब हमें आता है। वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स सेम, अगर वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स सेम रहता है तो मैं वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम। अब ये वायर कैसा है? सिलेंड्रिकल वायर जनरली होता है, तो वायर का वॉल्यूम लिखेंगे कैसे? लिख सकते हैं, मैं कई बार सिखा चुका हूं, लेंथ इसकी एल है, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है ना कितना है, ए वन और ए टू दिए हैं, ये क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम कितना हुआ? ए एल हुआ। तो पहले के केस में वॉल्यूम कितना हुआ? ए वन एल वन, दूसरे केस में कितना हुआ? ए टू एल टू। तो मैं बात करूं क्या A1 और A2 का रेशियो मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं A1 upon A2 is equals to L2 upon L1, निकल आया। तो A1 और A2 का रेशियो पता चल गया मुझे, पता चला। अगर पता चल गया है तो अब मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेता हूं। अभी अभी मैंने सिखाया था आपको शायद R1 upon R2, ये अभी अभी सीखा था पिछले क्वेश्चन में, R1 upon R2 क्या निकल के आया था? L1 upon L2 into A2 upon A1, यही सीखा था हमने शायद, इसमें ना मत कर देना, पीछे पेज पर तो ये देखो लिखा है पीछे, L1 upon L2 into A2 upon A1, जरा देखना क्या A2 upon A1 की वैल्यू अपन को दिख रही है, ये रही A2 upon A1 की वैल्यू, अरे उल्टी लिखी है ना, सीधा कर सकते हैं इसको, तो क्या बन गया? R1 upon R2 is equals to L1 upon L2 into A2 upon A1 की वैल्यू क्या? L1 upon L2 फिर से हो गई, L1 upon L2 देखना, A2 upon A1, L1 upon L2, तो क्या बन गया? R1 upon R2 is equals to L1 upon L2 का whole square। This is another golden formula।
जब भी स्ट्रेच वाला टर्म आए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दो ही नंबर में आता है क्वेश्चन, दो ही नंबर में आता है, तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर गोल्डन बॉक्स में बंद कर लीजिए, यूज कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा इसको दिमाग में। ये कब के लिए है? जब स्ट्रेच नहीं किया गया था, हालांकि दोनों ही सिचुएशन में वैलिड है और ये अच्छा सा बन गया है। स्पेशली किसके लिए बन गया है? जब स्ट्रेच किया गया। वैल्यू रख लीजिए, तो आर टू की बात करें तो आर टू यहां से क्या बन जाएगा, आर टू इधर चल गया तो ये बचा आर वन इन टू, ये वाला टर्म इधर आ गया, एल टू अपॉन एल वन का होल स्क्वायर। तो आर टू की वैल्यू आ गई आर वन, एल टू और एल वन कहीं लिखे हैं यहां पर 120 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जीरो से जीरो खत्म, कट जाएगा दो से, 6 और 5, तो R2 टू इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू कितनी है, R है, ये हो गया 6 अपॉन 5, यही बना। बैटरी लो हो गई थी फोन की, इतना देर हो गई है, देखिए कहां पहुंच गए थे हम लोग, आर 6 अपॉन 5, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, क्लियर थी बात, तो 36 अपॉन 25 आर आ गया, ये आर टू आ गया। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक खिंच गया ये, मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज आपको निकालनी आती है, तो हम क्या करेंगे, पहले कितना चेंज हुआ वो निकालेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या बनेगा, चेंज इन द रेजिस्टेंस आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी आर वन इनटू 100, यही है ना लॉजिक। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आर टू की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 36/25R, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, अपन ने R मानी है, डिवाइडेड बाई R इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेंगे यहां पर 25 आएगा, ऊपर पहुंचेगा 36 है ये बेसिकली, 36 में से 25 जाते हैं तो बचता है 11R अपॉन 25R इंटू 100, R से R कैंसिल, 25 से 100 फोर टाइम्स, तो फाइनल चेंज कितना आया 44%, कितना चेंज आ गया 44%, 44% क्या हो गई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, परसेंटेज चेंज मतलब 44% इंक्रीज हो गई है रेजिस्टेंस, दिख गया आपको। अब इतना तो हो ही गया, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, होमवर्क में बात खत्म करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कर रहा हूं, इज स्ट्रेच्ड की जगह कंप्रेस्ड बाय 20%, बाकी सब यही है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है, होमवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, करके लाइएगा, और बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हुई नहीं है। अब इतना बड़ा हो ही गया है तो दो बातें और कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज ओम्स लॉ का डिडक्शन किया, रिडक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बाद इसको पूरा अपने मन में समराइज करिएगा, दो न्यूमेरिकल किए थे, दो होमवर्क में दिए थे। ऑल द बेस्ट होमवर्क के लिए भी और आपकी नोट्स के लिए भी।